सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिर झटका लगा। अरविंद केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई, यानी 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड में रहेंगे और इस दौरान उनसे ईडी उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेगी जिसका जवाब अब तक ईडी को नहीं मिल पाया है। हालांकि रिमांड पर सुनवाई के दौरान आज राउज एवेन्यू कोर्ट के रूम नंबर 512 में जबरदस्त तनातनी हुई और इस तनातनी की वजह थी अरविंद केजरीवाल का अपना पक्ष खुद आगे आकर रखना। दरअसल कोर्ट में अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के वकील आएंगे, वो दलीलें पेश करेंगे, फिर ईडी के वकील आएंगे, वो दलील पेश करेंगे। अमूमन यही होता है, लेकिन केजरीवाल ने एक नई नजीर बनाने की कोशिश की। खुद ईडी और केंद्र सरकार पर जज साहब के सामने वो हमलावर हुए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है। अरविंद केजरीवाल ने पहली दलील दी यहाँ पर, जबकि ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्ने की रिपोर्ट लगा दी है। ईडी की मंशा पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने भले ही हजार पन्नों की रिपोर्ट लगाई हो, लेकिन दो मकसद है ईडी के। एक तो है आम आदमी पार्टी को खत्म करना, यह अरविंद केजरीवाल का आरोप है, और दूसरा ये कि स्मोक स्क्रीन जो है एक क्रिएट कर देना। शराब घोटाले का पैसा कहाँ है, 100 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है, वो पैसा अब तक ईडी ने जब्त क्यों नहीं किया है, ये अरविंद केजरीवाल आरोपों के जरिए ईडी से पूछते हुए नजर आए। मैं ईडी के रिमांड का माफ कीजिएगा विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। ये सब कुछ कोर्ट में हो रहा है जो मैं अभी आपको पढ़कर सुना रही हूँ। ये चाहे तो जितने दिन मुझे लॉकअप में रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी की तरफ से फिर ये कहा गया कि सुनिए, ये जो बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ये बातें आज की तारीख में इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि जिरह और दलील किस पर होनी है, इस पर कि ये जो कस्टडी है अरविंद केजरीवाल की वो आगे बढ़ाई जा सकती है कि नहीं बढ़ाई जा सकती है। ईडी की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल के बोलने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा वकील है तो फिर केजरीवाल क्यों बोल रहे हैं। रिमांड की मांग करते हुए उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल अभी तक सिर्फ गोलमोल जवाब दे रहे हैं, ये उनकी दलील है, यानी एसवी राजू जो कि ईडी की वकील है। उन्होंने कहा बयान रिकॉर्ड हुए हैं, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, हमारे पास तो रिकॉर्डेड वर्जन है। गोवा के आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवारों के हमने बयान दर्ज किए, यानी ईडी ने बयान दर्ज किए हैं, और उनसे आमना सामना करवाना है। किसका? अरविंद केजरीवाल का। ये कहा कि केजरीवाल डिवाइस जो उनके पास मौजूद है उनके पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। मांगे जाने के बावजूद केजरीवाल डिवाइस के पासवर्ड नहीं देंगे तो हम कैसे खोजबीन कर पाएंगे। फिर कहा अभी केजरीवाल का कुछ और लोगों से आमना सामना करना है, आमना सामना करवाना है। ये आमना सामना कौन है? वो 4 लोग हैं जो गोवा में थे, इन पैसों का कथित तौर पर जो इस्तेमाल हुआ है इलेक्शन में उस बारे में ईडी ने उनसे पूछताछ की है, और अब जो उन्होंने कहा है उसकी जो है उसका एनकाउंटर आप कह सकते हैं वो करवाना है अरविंद केजरीवाल से। केजरीवाल से कुछ लोगों को सामने सामने बिठाकर ये ईडी कह रही है कि हम उस ट्रेल को और पुख्ता कर देना चाहते हैं। 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, ये बार बार ईडी के वकीलों की तरफ से कहा गया। एसवी राजू ने कहा 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, साउथ ग्रुप के से जो है हवाला के जरिए ये रिश्वत ली गई थी, हमारे पास इसके सबूत है। यानी केजरीवाल के सामने अभी बहुत से सवाल आने वाले हैं जिनका सामना उन्हें करना है। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका से ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि ये मामला कार्यपालिका का है, न्यायपालिका इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। हाई कोर्ट के इस आदेश पर पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट जाते वक्त केजरीवाल ने भी मीडिया के सामने एक बयान दिया, कहा कि जनता सबको जवाब देगी। वो बयान मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एलजी सिंह की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब। एलजी सिंह की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी, लेकिन कोर्ट में चलती हैं दलीलें, कोर्ट में चलते हैं साक्ष्य और सबूत। इन फैसलों के बीच कुछ सवाल जो जोर पकड़ रहे हैं आज, उन्हीं सवालों की गूंज। पहला सवाल यही कि क्या केजरीवाल अब मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे?
क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है। दूसरा सवाल ये कि 100 करोड़ के मनी ट्रेल में क्या अभी और लोगों के फंसने के चांसेस हैं, क्या और लोग फंसेंगे। तीसरा सवाल ये कि रिमांड बढ़ने के बाद अब केजरीवाल की नई रणनीति जो है वो क्या होने वाली है। चलिए